हाय गाइस, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में चानन और मूसा शाह दोनों ही स्टूडियो के ड्रेसिंग रूम में स्टडी करने आते हैं। पर ब्रदर भाई भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने डैड को भी वहाँ बुला लेते हैं, जिससे वो चानन और मूसा शाह को पकड़वा सके कि वो फिर से लव शो के चक्कर में पड़ गए हैं। वो लोग स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं, पर लकीली मूसा शाह उन्हें देख लेती है और अपनी फ्रेंड से कहकर चानन को छुपने को कहती है। उसके डैड और ब्रदर वहां भी आ जाते हैं, पर मैडम जल्दी जल्दी भागकर वहां आती है और उन्हें बातों में लगाती है, पर वो फिर भी उसकी बात नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और मूसा शाह का अच्छा वाला सपोर्ट करते हैं और उसके डैड को सुनाने भी लगते हैं, पर ब्रदर तो ब्रदर है, वो फिर भी पर्दा खोलकर चेक करते हैं। मूसा शाह तो उन पर बड़ा गुस्सा करती है। उसके डैड चानन के डैड को समझाते हैं कि आपको अपने बेटे से प्यार करना चाहिए और उसे सपोर्ट भी करना चाहिए, जिस पर वो सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मूसा शाह तो अब अपने पेरेंट्स को भी वहाँ से भेज देती है, पर उसके डैड जो कि बार बार वहाँ पर आ रहे थे, वो उन्हें इस बार तो पक्का ही पूरा रूम से बाहर निकाल देती है। चानन ने तो छुपने के लिए गाउन ही पहन लिया था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। अब रात को दोनों ही रोमियो जूलियट का सपना देख रहे थे, पर दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती है। व्हाट, क्या यह मजाक चल रहा है? कभी चेंज हुआ कभी नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं। वैसे इनका इफेक्ट चानन पे जरूर पड़ता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि उसका एग्जाम मूसा शाह दे देगी, पर अब उसे ही देना होगा। अब मैडम जी अपने साहबजादे को खेल खेल में पढ़ाने लगती है। वाओ, काश हमें भी कोई ऐसे पढ़ाता। अब सभी के सभी पढ़ाई में लग जाते हैं, सभी जीनियस अपने अपने पार्टनर को पढ़ाने लगते हैं। फाइनली अब एग्जाम का दिन भी आ जाता है। सभी नालायक बड़े कॉन्फिडेंट में होते हैं कि आज तो कर ही दिखाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत जो की है। सभी जीनियस की क्लास आकर उनसे रिजल्ट पूछती है। सभी नालायक बताते हैं कि सारे के सारे नालायक पास हो चुके हैं, पर हमारा चानन वो पास नहीं होता है। वो सभी से माफी मांग लेता है और वहां से चला जाता है। खड़ूस टीचर को तो मौका मिल गया था, ये मौका वो छोड़ते नहीं है और क्लब पर कब्जा कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट उन्हें बहुत समझाते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, पर वो तो उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। मिस मो को जब ये पता चलता है तो वो चानन को बहुत डांटते हैं, पर मूसा शाह भी वहाँ आ जाती है और चानन को समझाती है कि वो अपनी टीम का सपोर्ट करे और अपने पेपर को फिर से रीचेक करे। उसे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अब चानन उनके पास आता है और अपना इंग्लिश का पेपर दिखाते हुए बताता है कि उसका आंसर सही है, बट आपके टीचर ने ही इसे गलत कर दिया है। वो कंफर्म करने के लिए इंग्लिश के टीचर को भी बुलाते हैं, पर वो टीचर भी बताता है कि ये आंसर सही है, जिससे चानन को 2 पॉइंट्स और मिल जाते हैं और वो पास हो जाता है। अब टीचर साहब को भी मानना पड़ता है। चानन की पास होने की खुशी में उसके घर वाले उसके लिए पार्टी रखते हैं। और यहाँ जब मैडम मू घर आती है तो उसे पता चलता है कि आंटी साहिबा ने उसके अंकल और कजन के आने की खुशी में उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। अरे वाह, लगता है आंटी जी सुधर गई है। सभी लोग पार्टी कर रहे थे, पर आंटी जी तो अपने बेटे की ही बड़ी तारीफें कर रही थी, जिसका नाम होता है सॉन्ग सॉन्ग। अब एग्जाम हुए हैं तो वेकेशन तो बनता है ना। सभी फ्रेंड्स समर वेकेशन पर आते हैं। चानन सभी को मजे करने को कहता है और साथ ही
आने वाले मैच की तैयारी करने को भी कहता है, बट अपोनेंट टीम वाले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसी वजह से सभी उन्हें हराने की टेक्निक सोचने लगते हैं, पर किसी का भी आइडिया अच्छा नहीं होता है। पर मुशाशा मैडम कहती है कि तुम सभी जीतने के लिए उनकी वीकनेस ढूंढो, जिससे उन्हें हराने में आसानी होगी। वाओ, क्या आइडिया है, सभी को ये आइडिया भी अच्छा लगता है। रात को संग संग मुशाशा के रूम में आता है और अपना बैग छुपाता है और उसके पेरेंट्स को बताने से मना करके चला जाता है। पर मैडम देखती है कि उसके अंदर तो पियानो है, भाई साहब का जैसा नाम है उसके शौक भी बिल्कुल वैसे ही है। फिर अगले दिन चानान और मुशाशा एक कैफे में मिलते हैं। दोनों कहते हैं कि एक दूसरे का सपना नहीं देखेंगे, वरना फिर से एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके दोनों फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। वो लोग बैठकर फाइट की वीडियोस देखते हैं और उनकी पावर और वीकनेस का पता लगाते हैं, पर साथ ही साथ लवी डवी भी बनते रहते हैं, जिससे उनके फ्रेंड्स तो वहां से चले जाते हैं। वो घंटों बैठकर काम करते हैं और थक जाते हैं। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है, जिस पर वो दोनों तो चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, ब्रदर भाई भी वहां पहुंच जाते हैं, पर मुशाशा उन्हें एक्सप्लेन करने लगती हैं, पर वो तो उन पे ही शक करने लगता है और मुशाशा को उससे दूर रहने को कहता है, पर चावनान तो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है। ब्रदर अपने अंकल को बताता है कि वो अपने भाई का पीछा कर रहा है, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार कर बैठा है। पर अंकल तो कहते हैं कि तुम सही कर रहे हो, अभी वो छोटा है, उसका पीछा करते रहो, और उन्हें भड़का देते हैं कि वो तुम्हारे ब्रदर को तुमसे छीन लेगी। मुझे इन अंकल के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, ये साला कमीना कुछ तो ज़रूर करेगा, फिलहाल तो अच्छी आग लगाई है। जब चावनान घर आता है तो उसके ब्रदर फिर से उसे रोकने लग जाते हैं, पर वो कहता है कि आप जिसे बताना चाहो बता दो, मैं नहीं डरता हूँ। पर ब्रदर उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके पेरेंट्स को बताऊंगा, जिससे ये र्यूमर हर जगह फैल जाएगी। जिस पर चावनान को तो बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने ब्रदर का कॉलर पकड़ लेता है। ब्रदर कहते हैं कि तुम मुशाशा से नहीं मिलोगे और जो मैं चाहूंगा वही करोगे, और वो उसे अपने साथ ट्रेनिंग के लिए कोच के पास लेकर आता है। फिर अगले दिन चावनान चुपके से निकलने की कोशिश करता है, पर ब्रदर तो वहां भी पहुंच जाते हैं। पर वो कहता है कि मैं मुशाशा से मिलने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, उनके साथ ट्रेनिंग करनी है। पर ब्रदर तो उसके फ्रेंड्स को वहीं बुला लेते हैं, जिससे चावनान का प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। मुशाशा घर में प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसका कजन उसे पियानो लाने को कहता है। मासूम सी लड़की उसकी हेल्प करती है और उसे पियानो लाकर देती है। चावनान का फ्रेंड उसकी हेल्प करता है। चावनान मुशाशा से जाकर मिलता है और बताता है कि ये भाई तो पीछे ही पड़ गया है, जहां जाऊं पहुंच जाता है। पर वो कहती है कि अगर हम फिर से स्विच हुए तो मुझे तुम्हारी जगह लड़ना होगा, इसलिए तुम किसी से कहकर मेरी ट्रेनिंग करवा दो। अब तो बेचारा कार में भी बड़ी मुश्किल से मैसेज कर रहा था, क्योंकि ब्रदर तो बार बार उसे ही देखे जा रहा था। जब वो घर पहुंचते हैं तो ब्रदर गाड़ी को लॉक कर देते हैं और उससे उसका फोन मांगते हैं। जब वो वजह पूछता है तो बताते हैं कि आज तुम मुशाशा से मिले थे, मुझे स्टाफ ने ये बात बता दी है। चावनान तो बड़े गुस्से में कहता है कि आपने मेरे पीछे जासूस लगाए, जिस पर ब्रदर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी परवाह है। पर वो भी उन्हें समझाता है कि वो मुशाशा से प्यार नहीं करता है। अब वो कार से निकलते हैं। चावनान कहता है कि आपने मेरी पूरी प्राइवेसी खराब कर दी है। ब्रदर उससे कहते हैं कि
मैं तुम्हें मूसाशाह से दूर रखना चाहता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर रही है। सोचो जरा, उसके कहते ही तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे होटल पे जॉब दिलाई, यहाँ तक कि तुमने अपनी बाइक तक बेच दी बिना कुछ कहे, जबकि तुमने आज तक मुझे उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया। ये माइंड कंट्रोल नहीं है तो क्या है? चावनार उससे पूछता है कि मेरा माइंड कंट्रोल करके भला उसे क्या मिलेगा, पर ब्रदर भाई कहते हैं कि उसे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा पैसा चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। अब तो चावनार को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मुझे मूसाशाह नहीं बल्कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे आपसे ज़्यादा उस पर भरोसा है, आपको तो बस जलन हो रही है। आप जिस दिन मुझे छोड़कर चले गए थे उसी दिन से आप मेरे दिल से निकल चुके हैं, यह कहकर वो तो चला जाता है। रात को दोनों भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। अब मैच का दिन भी आ जाता है और चावनान की टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है। हे गाइस, आर यू गोइंग विदाउट सब्सक्राइब माई चैनल? ये तो मेरे साथ ना इत्तफाकी है ना, चलो सब्सक्राइब करो अभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामो।